सो गाइज मेरा YouTube से कल YouTube शॉर्ट्स फंड से पता कितना आया, ए 2022 एक अच्छी सुबह एक नई शुरुआत लेकर मेरे लिए स्पेशल आई है। थंबनेल देखकर और वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए कि मेरे लिए क्या अच्छा खुशखबरी मिला है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश जीरो। काफ़ी दिनों से इस तरह का इंट्रो स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि ये मेरा खुद का इंट्रो है। सो कह सकते हैं कि 2022 एक अच्छा शुरुआत हुआ मेरे लिए, तो इसका कारण तो आप लोग जान ही गए हैं कि मेरा YouTube से शॉर्ट्स फंड आया है। तो ये तो बताएंगे ही कि कितना आया सब कुछ, क्योंकि ये बस दो मिनट का बात है कि कितना फंड्स आए हैं सब कुछ। तो सबसे पहले बताते हैं कि रात में मैंने स्टे किया कहाँ किया था। लास्ट वीडियो बताया था आपको मैं डॉन बॉस्को स्कूल चर्च के स्कूल में स्टे किया था। तो ये हो गया डॉन बॉस्को स्कूल। यहाँ पे कुछ फंक्शन स्टार्ट होने वाला तो उसका तैयारी चल रहा था। तो लास्ट नाइट मैंने फादर से पूछा था कि मैं यहाँ पे स्टे कर सकता हूँ, तो फादर्स ने मुझे पर्सनली वहाँ पर रूम दे दिया था यार। तो सुबह के बज रहे 8 और अब मुझे यहाँ से निकलना है जीरो से ईटानगर। ईटानगर में थोड़ा सा लोकल मार्केट दिखाऊंगा, वहाँ पर ट्राइब्स तो ऐसा नहीं है, निसी ट्राइब्स है, वो अब मॉडलाइज हो गए हैं, तो थोड़ा सा ट्राइब्स कम देखने को मिलेगा। और जीरो में नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो थोड़ा सा और विलेजेस को, यहाँ पर बहुत सारे विलेज है जो कि आपातानी विलेज है, आपातानी ट्राइब्स है जो कि मतलब आपातानी ट्राइब्स का एक खास बात यह है कि उनका घर एक से एक जुटा हुआ रहता है, एक इकट्ठे रहते हैं, इसीलिए आपातानी जो ट्राइब्स है इसलिए ज़्यादा फेमस है यहाँ का। सो अब मतलब यहाँ भी ट्राइब्स जो मतलब पुराने कल्चर है ना, वो फेस्टिवल को ही दिन देखने को मिलता है, मतलब ऐसे दिन आप जाइएगा तो नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कभी फेस्टिवल के टाइम आएंगे तो दिखा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ एक न एक ट्राइब्स को ऐसा दिखाऊँ जो कि मतलब पुराने कल्चर्स को फॉलो अभी भी करते हैं जैसे। और आपातानी ट्राइब्स में एक चीज़ है कि घर तो पास पास में रहते हैं, और प्लस में इसका कारण हो गया कि अब घर सीमेंटेड बनने लगा, क्योंकि पहले क्या होता था ना, एक घर में आग लगती थी ना बांस वाली में तो सारे घर जल जाती थी, इसके कारण से सब सीमेंटेड घर बन गया। तो चलने का टाइम हो गया, सीधे चलते हैं और फादर से परमिशन लेते हैं अब जाने का, रवाना होने का। उसके बाद यहाँ से सीधे निकल कर ईटानगर चलते हैं और ईटानगर में डायरेक्ट आपसे मिलते हैं। सो यहाँ पे कुछ फंक्शन होने वाला है यार, आई थिंक डॉन बॉस्को स्कूल जीरो। पिछले बार भी आई थिंक मैं 25 को भी मेघालय के चर्च में रुका था, आज भी मुझे यहाँ चर्च में रुकने का मौका मिला जीरो में। सो चलते हैं, बेल बजाते हैं, फादर्स को बुलाते हैं और आज्ञा लेते हैं जाने का। तो चलते हैं फादर, ओके ब्लेसिंग दे दीजिएगा, थैंक यू। तो चलते हैं बहुत। अभी क्या जाएगा? अभी मैं निकल रहा हूँ ईटानगर के लिए, ईटानगर के लिए। जीरो से ईटानगर का डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है, मात्र 100 किलोमीटर का। और भाई रोड इतना खराब है, इतना खराब है कि 5 घंटा लगता है, 5 घंटा कार उड़ का 4 घंटा लगता है। ये देखिए रोड भाई, मतलब इतना कैमरा सेक कर रहा है उसी से पता चल रहा है ये पूरा रोड। आई थिंक याचुली से 20 किलोमीटर का और ख़राब है, उसके बाद थोड़ी सी रोड है, रोड सही है, मतलब पीछे वाला रोड है ये, इधर तो पूरी कच्ची रोड है यार। तो जीरो इतना बड़ा, इतना अच्छा जगह होकर भी रोड नहीं बनाया जाता, सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्या? क्या आप इसके बारे में आपका राय है बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। सो गाइस जिस अंकल ने मुझे लिफ्ट दिया था ना, वो तो जा रहे थे ईटानगर तक, पर मैंने पैराग्लाइडिंग यहाँ पर देखा तो सोचा आप लोगों के साथ पैराग्लाइडिंग शेयर करना चाहिए, फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में होगा। तो अभी जा रहा थोड़ा सा आगे यहाँ से, एक अंकल ने रुका, आप देखते लिफ्ट देते हैं कि नहीं। भैया थोड़ा सा आगे तक लिफ्ट चाहिए, मिल जाएगा ये यहाँ से? पैराग्लाइडिंग कहीं पर होता है ना, तो वही थोड़ा सा आगे से, यहाँ लगता है 5 किलोमीटर दूरी पर होता है पैराग्लाइडिंग, पता नहीं पर आगे उठा दीजिएगा एक दो। बैठ जाऊँ, बैग रखता हूँ यार। गाइस यार बहुत डस्ट उड़ता है यार इस रूट में, इस रूट में बहुत डस्ट उड़ता है। तो 2 किलोमीटर के रिवर्स लेकर मैं आ गया हूँ पैराग्लाइडिंग यार्ट, पैराग्लाइडिंग यहाँ से उड़ता है यार, मुझे पता नहीं, फर्स्ट टाइम आया तो इतना बता रहा हूँ।
सो चलते हैं वहाँ पर होता है ये, आई थिंक जूम करता हूँ वहाँ पर जो झंडा दिख रहा है ना रेड वाला वहाँ से। सुपर एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड पैराग्लाइडिंग के लिए। यार कितनी अच्छी हवा चल रही है ना पहाड़ों के बीच में, मस्त हवा चल रही है। आ तो गए पर कोई दिख नहीं रहा यार, ये क्या हाल है। सो गाइस मैंने तो सोच लिया YouTube का फर्स्ट पेमेंट आया है शॉर्ट्स फंड्स, तो पहला बार तो इतना ज़्यादा आया कि मत कहिए। पैराग्लाइडिंग करेंगे करेंगे। कौन गाड़ी आ रही है, वो कार से? सो आ रहा यार, ओ भाई हवा तो काफ़ी तेज चल रही है और काफ़ी इंतजार के बाद भैया आए हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। ये आई थिंक पैराग्लाइडिंग वाली गाड़ी है, पैराग्लाइडिंग। अरे इतना इंतजार करेगा तो इंतजार की घड़ी बहुत ख़त्म हो जाएगी। सब्र का फल मीठा होता है ना। तो भैया आ गए हैं, बहुत इंतजार करना है भैया, आधा घंटा वेट करना पड़ गया। तो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं थोड़ी देर में और भैया से पहले बातचीत करते हैं कि कैसे वीडियो बना, स्पेशल वीडियो बनाए या फिर इसी में ऐड कर दें। सो गाइस विंड स्ट्रांग होने के वजह से टाइमिंग में चेंजिंग, सुबह का होता है उसके बाद शाम को होगा। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? पालन? मुझे नहीं पता भैया। क्या बताओ, ईटानगर से तरफ से? जीरो, जीरो साइड से ना। सो मैं अभी जीरो साइड से आया हूँ, भैया को बता देता हूँ थोड़ा। पैराग्लाइडिंग के लिए स्पेशलिस्ट आए हैं। उड़ के आता है ना, उड़ने में मज़ा आएगा। अभी नहीं होगा, अभी स्ट्रॉन्ग विंड हो रहा है, मेरा ड्रोन खुद नहीं उड़ रहा है यार इतने स्ट्रॉन्ग में। सो गाइस अभी बजा है 2 और हम भैया के साथ बैठ गए हैं। भैया बोले कि शाम को 3 बजे होगा, आप लोगों को बताया भी था कि 3 बजे पैराग्लाइडिंग होगा क्योंकि हवा बहुत तेज थी। जो लोग आपको दिखाए थे ना वो लोग चले भी गए, आते हैं तो थोड़ा वेट नहीं कर सकते यार, कुछ एडवेंचर करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्या भैया? यस तो जा रहे हम लोग, अभी कहाँ पे जा रहे हैं पता है? अभी हम लोग लैंडिंग की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल भैया बता दिया, सॉरी भैया बता दिया लैंडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो पहले लैंडिंग देख कर आते हैं, उसके बाद हम लोग पैराग्लाइडिंग करेंगे, हवा से बातें करेंगे हम लोग। पैकेट में 200-400-500 में एक्स्ट्रा रख लिया हूँ ताकि भाई लैंड कराना होगा जल्दी तो भैया 500 घुस दूंगा, जल्दी से उतार दीजिए। क्या क्या 500 देना पड़ेगा, 500 रुपया देना पड़ेगा, लैंड जल्दी हो जाएगा इसमें। हाँ बिल्कुल, सुगा सुगा टेक ऑफ हो गया गाड़ी भाई हमारी तो। ओ हाँ ऑन कर दीजिए, 2 एक मिनट मोती पी का। सो गाइस हाँ नीचे के इसको पकड़ते हैं ना, रेट चल रहा है ना। हाँ रेट पकड़ना क्या, कहाँ घुसा रहा है? यहाँ नीचे का रख रहा हूँ। नहीं 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 क्यों यार, नीचे से नीचे से ऐसे हाथ तो करो। हाँ हाथ नीचे से नीचे से। ओके हाँ अभी पकड़ो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे साथ भी आना है ठीक है? बिल्कुल भाई। नहीं नहीं 360 में भाई, हमको वीडियो चाहिए ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऊपर जा रहे हैं हम। ऑल राइट ऊपर जा रहे हैं, फोन छोड़ना यार, फोन छोड़ दो फोन, ये गिर जाए गिर गिर जाएगा फिर रोता रहेगा। यार थोड़ा टर्बुलेंस चला हुआ है ठीक है, ऑल राइट कंफर्टेबल है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भैया आप 200-400 ज़्यादा ले लीजिए, मुझे जल्दी लैंड करा दीजिए। सो गाइस कल पैराग्लाइडिंग के कारण से मतलब वीडियो आगे नहीं बढ़ पा रहा, और पैराग्लाइडिंग के पास जो भैया थे ना उन्हीं के पास मैंने सो गया था,
तो बताता हूँ, मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स से जो मेरा एक यूट्यूब शॉर्ट्स है ना वो 20 मिलियन व्यूज़ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। 20 मिलियन व्यूज़ अगर बड़ी वीडियो बताती ना तो कम से कम मिनिमम अगर कितना भी मैं इनकम करता तो पता करना आई थिंक 5 लाख से कम नहीं करता यार, कम कन्फर्म बोल रहा हूँ यार, एकदम यूट्यूब का रूल ही है 20 मिलियन अगर बड़ी वीडियो पे व्यूज आते हैं ना तो 5 लाख रुपए इनकम करता। पर कोई बात नहीं, शॉर्ट्स पे ही आपने सपोर्ट दिखाया और काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर नए नए जुटे मुझे, 11,000 सब्सक्राइबर उससे रहा है। और कल मेरा यूट्यूब का एक सुबह सुबह नोटिफिकेशन आया था और ईमेल पर भी आया था कि आपका यूट्यूब शॉर्ट्स फंड रिलीज हुआ है। तो कितना हुआ ये बताने से पहले आप लोग वो शॉर्ट्स देखिए, वो 15 सेकंड का शॉर्ट्स था वाटर पार्क को, मेरा वाटर पार्क जैसे जानते हो कि जाकर देखिएगा, मेरा सारा वाटर पार्क का वीडियो, मतलब वीडियो वायरल हो गया और वाटर पार्क से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है, जैसे कि बुलाते हैं मुझे कि आप वाटर पार्क आइए और वीडियो बनाइए इसकी वजह से। तो चलिए वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताता हूँ कितना फंड्स आया। तो आपने ये वीडियो देखा और देखिए अब इसका मैं एनालिसिस दिखाता हूँ कि ये वीडियो से मुझे रेवेन्यू कितना हुआ। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ YT स्टूडियो के स्क्रीन पे और इधर मैं शॉर्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ मोस्ट व्यूज। यहाँ पे देख सकते हैं 1.9 करोड़ व्यूज, काफ़ी लाइक है यार, मतलब लाइक तो भाई 3.5 लाइक्स हैं, 1K से ज़्यादा कमेंट है। और यहाँ पे देखिए मोनेटाइजेशन ऑन है, पर रेवेन्यू कितना है, एक वी मिनट, मतलब कह सकते हैं रेवेन्यू 0-0 है। उसके बाद देख सकते हैं व्यूज मोर पे जाता हूँ मैं, उसके बाद देखिए 19 मिलियंस व्यूज हैं और सब्सक्राइबर आए इससे कितना 11,700, शॉर्ट्स फीड में 3 लैक्स बहुत व्यूज जाते हैं, बहुत व्यूज, और रेवेन्यू देखिए 0-0। तो ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि मतलब शॉर्ट्स से एक रुपीज आते नहीं पर शॉर्ट्स फंड रिलीज होता है, तो ये चीज़ आपको शॉर्ट्स में पता ही चल गया होगा। तो सुबह सुबह मुझे ईमेल पर आया, ये देखिए ईमेल इस तरह का है कुछ कि आपका शॉर्ट्स फंड रिलीज हुआ और $100 आया था शॉर्ट्स की तरफ से। तो बहुत बहुत सबको दिल से शुक्रिया जो कि इतना सपोर्ट दिए, ताकि $100 भी कम भी नहीं होता यार, 7,000 के अप्रॉक्स में होता है। सो मैं आपसे सपोर्ट ही मांग रहा था, एक वीडियो डाला था प्लीज़ हेल्प मी, और आई थिंक वो आप लोग नहीं हेल्प किए पर यूट्यूब ने बहुत मदद कर दिया। तो मतलब एक फैमिली को दिखाने के लिए हो गया कि मैं पैसे अर्निंग करने लगा हूँ। तो जितना भी पेमेंट आएगा, नेक्स्ट पेमेंट आई थिंक फरवरी में आएगा, तो फरवरी में वीडियो बनाकर दे दूँगा कि कितना पेमेंट टोटल आया था। पहले कभी कुछ गूगल एडसेंस में आई थिंक पेमेंट स्टोर था, तो सारा पेमेंट एक बार करके मेरे अकाउंट में आएगा, आई थिंक 10-11 हज़ार का आसपास में आएगा। तो वो जब ही आएगा ना अकाउंट में तो आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।